हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ शिवम और आप देख रहे थे शिवम द मिस्टीरियस बॉय यूट्यूब चैनल। सो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। संडे था आज और आप मेरे पीछे का बैकग्राउंड देख ही रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि आज शिवम भाई कहाँ बैठे हैं, कहाँ बैठ के वीडियो बना रहे हैं। तो आपको बता दूँ, आज मैं बैठा हूँ अपने हमारे घर में, दुकान है, आप देख सकते हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, हमारी फैमिली की दुकान है। अभी हम बैठे थे तो कुछ बच्चे हमारे साथ बैठे हुए थे घर के ही, तो ऐसी कुछ बात चल रही थी सिद्धू मूसेवाला की। तो हर किसी के जुबान पे आज नाम है सिद्धू मूसेवाला कौन था और कहाँ रहता था, क्या करता था। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, छोटा सा ब्रीफ वीडियो आपके लिए बना देता हूँ जिसमें मोटी मोटी जानकारी है मैं आपको दे देता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कॉमेंट करेंगे, पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो बात करते हैं सिद्धू मूसेवाला कौन था। जैसा कि मैं जहाँ तक मुझे पता है, ये इनका रियल नाम नहीं था सिद्धू मूसेवाला। मूसेवाला उनके घर, उनका जो गांव है मूसा करके, ये वहाँ से उन्होंने पिकअप किया था और सिद्धू उनको प्यार से बुलाया। जैसे इनका नाम सुखदेव करके कुछ है, एग्जैक्टली मैं कंफर्म तो नहीं कर सकती, हाँ सुखदीप करके कुछ नाम उनका है। और इन्होंने अपना जो करियर स्टार्ट किया था वो सन 2018 से इन्होंने स्टार्ट किया था। एक इनका एल्बम आया था PBX1 करके, एल्बम के इन्होंने एक संगीत, एक गाना लिखा हुआ था उस टाइम पे किसी के लिए, किसी रैपर के लिए। फिर धीमे धीमे इनकी आप कह सकते हैं पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। इन्होंने कैनेडियन चार्ट वन, मिलेनियर चार्ट वन, यूरोप चार्ट वन जैसे कुछ बड़े बड़े जो एल्बम थे उनके लिए इन्होंने लिरिक्स लिखे, गाने लिखे। और टाइम के साथ साथ इनकी स्टाइल बढ़ती चली गई। जब इनकी स्टाइल बढ़ी तो इन्होंने क्या किया कि अपनी स्टाइल में इन्होंने बंदूकों को दिखाना स्टार्ट कर दिया, गांव के कल्चर को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। इतना बड़ा एक सिंगर पंजाब का था लेकिन फिर भी गांव में रहता था, गांव के कल्चर से जुड़ा हुआ था। जो यूथ था इनके साथ कनेक्ट होता चला गया क्योंकि यूथ इनको पसंद इसलिए करता था क्योंकि ये गाँव में रहते थे, गाँव के कल्चर को फॉलो करते थे, देश तरीके से रहना खाना इनका सब कुछ स्टार्ट था, नॉर्मल तरीके से रहते थे। धीमे धीमे बंदे ने बहुत अच्छे गाने दिए। अभी इसका लास्ट गाना आया था द लास्ट राइड। आप समझ सकते हैं कि लास्ट राइड का मतलब क्या होता है, आखिरी सफ़र या आखिरी रास्ता, जो भी आप समझे अपने हिसाब से। और उनको कहीं ना कहीं पता चल गया होगा कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, देन हम बात करते हैं। उन्होंने धीमे धीमे करके अपनी चीज़ों को और इम्प्रूवमेंट किया। जब इन्होंने और ज़्यादा ख्याति पा ली तो इन्होंने क्या किया कि पंजाबी में रैप करना स्टार्ट किया। पंजाबी में रैप करने के साथ साथ इन्होंने लाइव कॉन्सर्ट करने स्टार्ट किए, लाइव शोज करने स्टार्ट किए, विदेश में भी गए, फॉरेन कंट्रीज में गए, कैनेडा के लोग इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। तो धीमे धीमे जाके इन्होंने वो चीज़ें हासिल की जो कि पिछले 4 साल में हर किसी के लिए मुमकिन नहीं था। अगर मैं इनके एक गाने की बात करूँ तो जहाँ तक मेरी नॉलेज, इंटरनेट की जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, ये गाने के 7 से 8 लाख रुपये चार्ज करते थे। और इनको ट्रैक्टर का बहुत ज़्यादा शौक था। इनके पास एक TSB करके एक बहुत बड़ा ट्राला था जो हम लोग ट्रॉली बोलते हैं। इनके पास एक HMT का 5911 ट्रैक्टर मॉडिफिकेशन उन्होंने कराया जो इनका फेवरेट ट्रैक्टर था। इसके बाद इन्होंने फोर्ड का भी एक ट्रैक्टर लिया, फार्मर ट्रैक का भी इन्होंने ट्रैक्टर लिया। तो इनको ट्रैक्टर का भी बहुत शौक था। गाड़ियों की बात करें तो इनके पास एक G-Wagon गाड़ी हमेशा अपने वीडियो दिखाते थे, हो सकता है इन्हीं की हो। फॉर्चूनर भी इनके पास है, थार भी इनके पास है और एक दो छोटी गाड़ियाँ हैं। इनके पास अपनी इनकी खुद की एक हवेली भी है जो इनके खेतों से मात्र 500 मीटर दूर है और इनका जो पुस्तैनी गांव, पुस्तैनी घर है उनके गांव में है जो कि 2 किलोमीटर दूर है। इनकी समाधि बनाई गई है जहाँ पे इनकी अंत्योष्टि हुई है, इनको जहाँ पे भगवान के पास भेजा गया है, हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलें तो। इस तरीके से सिद्धू मूसेवाला की जो छोटी सी जर्नी थी मैंने अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की। आज पंजाब या पूरा देश, पूरा वर्ल्ड भी उनको याद कर रहा है। उनके गाने अगर आप देख रहे होंगे तो, अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो पंजाब में ऐसा कोई घर नहीं जहाँ पे उनको पसंद ना करता, ठीक है। सो ये छोटी मोटी जानकारी थी सिद्धू मूसेवाला के बारे में जो कि मैंने हिंदी में सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है। इससे इस कहानी से हमें सीख ये मिलती है कि आप लाइफ में किसी भी मोड़ पे पहुंच जाएं, कितनी भी आपको पॉपुलैरिटी मिल जाए लेकिन आप जमीन से जुड़े रहें जैसा कि ये बंदा करता है। लोग बाग बताते हैं कि ये बंदा गांव में नॉर्मल तरीके से घूमता था, इसके जितने भी मिलने वाले आते थे सब आपको मिलता था, फोटो खिंचाता था, बच्चों के साथ वॉलीबॉल खेलता था, ये सब चीज़ें थी। सो गाइस फाइनली यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते किसी नए कल किसी नई वीडियो।